हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग सीरीज। तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पेंटिंग के लिए। तो ड्राइंग के सारे एस्पेक्ट्स, क्या होता है ड्राइंग, ड्राइंग को कैसे करना चाहिए, पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, मसल मेमोरीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, शेप्स, फॉर्म्स, शेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस सीरीज़ में होने वाली है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी एपिसोड्स आते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास इस सीरीज़ का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो ज़्यादा इतनी टेक्निकल नहीं होने वाली है, सिंपल सी वीडियो है और सिंपल से टूल्स है हमारे पास। कुछ हमारे पास ग्रेफाइट पेंसिल्स है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो, कैमल हो, आर्टलाइन हो या स्टेडलर हो, या फिर चारकोल पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो किसी भी कंपनी की। डबल ई है ये स्टेडलर की। मैंने इसे चारकोल के ग्रेड में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क होती है और इसमें ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा कम होता है और बहुत ज़्यादा एकदम ब्लैक होती है, इस वजह से मैंने इसको चारकोल के ग्रेड में रखा है। अगर हम चारकोल यूज़ कर रहे हैं तो आप नेड इरेजर यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल कर रहे हो आप ग्रेफाइट पेंसिल तो आप अप्सरा की नॉर्मल इरेजर यूज़ कर सकते हो। बाकी कटर या फिर शार्पनर, और मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, कुछ सैंड पेपर्स। सो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, हमने पेपर सेट कर लिया है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टेक्निक्स जिससे कि आप अपनी ड्राइंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। तो करना क्या है बेसिकली, आपको सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। पहले आप एयर में बनाओगे और देन धीरे धीरे आप पेपर पे ट्रांसफर करोगे। अब इसको शेड कर देते हैं थोड़ा बहुत। पूरा फ्लैट कर दिया है, कहीं से डार्क कर देते हैं। तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस, शेडिंग प्रैक्टिस, इवन शेड आना चाहिए। फिर शेडिंग वेरिएशंस, तो बेसिकली ये करना कैसे है, पहले तो आपकी पेंसिल बहुत अच्छे से शार्प होनी चाहिए कि एकदम स्ट्रेट, देन आगे से पॉइंटेड, जैसे कि जब आप पेंसिल पेपर पे चलाओ तो आपका पॉइंट ना चल के आप एक सरफेस से आप काम करो जब आप शेडिंग कर रहे हो, और जब आपको पॉइंट की नीड हो तब आप पॉइंट भी चला सकते हो। तो बेसिकली आपको कर्व्स बहुत सारे, हर एंगल में शेडिंग, बहुत सारी लाइंस, आई के ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा हाथ थोड़ा सा फ्री हो जाए और हमारी जो प्रैक्टिस है, जो जनरली मैं देखता हूँ लोगों की, वो ऐसे ही ड्राइंग करना पसंद करते हैं, वो ऐसे ही सारी चीज़ें बना देते हैं, जैसे आईज बनानी है तो ऐसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे।
बहुत आराम आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चीज़ें बनानी है। तो गाइस ऐसे सिंपली हम आइस भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हुए बस इनिशियली आपको क्या स्टार्ट करना है कि आपकी लाइन स्ट्रेट आए। जब आप फ्री हैंड लाइन बना रहे हो तो आपकी लाइन सारी स्ट्रेट आनी चाहिए और सारी वर्टिकल लाइंस से स्ट्रेट आनी चाहिए और सारी डायगोनल लाइन वो भी सारी स्ट्रेट आनी चाहिए और बहुत सारी शेप्स बनानी है आपको। एक शेप्स के बाद रुकिए मत, आप वापसी बनाते जाइए। सारे कर्व्स बनाइए, और जितना हो सके अपने हाथ को फ्री रखिए। अब छोटी सी कॉपी में मत स्टार्ट कीजिएगा, जितने बड़े स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हो उतने से कीजिए। और बेस्ट सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए और वो काफ़ी चीप होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। आप न्यूज़पेपर लीजिए और उसमें चारकोल पेंसिल या फिर डार्क 8B या फिर डबल ई स्टेडलर की कोई भी आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और एक्सरसाइज है जो कि है डॉट वाली, जिसमें हम दो डॉट ड्रॉ करते हैं और हम अपनी लाइन एक डॉट से दूसरे डॉट तक मिलाते हैं। पहले आप हवा में बनाइए, कोशिश कीजिए कि वहाँ तक मिल जाए और फिर आप उसे मिला दीजिए, फिर वापसी कीजिए। बस ऐसा करते जाइए जब तक ना मिले, ऐसा करते जाइए। फिर जब आपके छोटे डिस्टेंस पे आपकी लाइन मिलना स्टार्ट हो जाए तब आप इसके बाद अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। जैसे फिर ऐसे आपको स्टार्ट करते रहना है और आपको ये लाइंस की प्रैक्टिस करती रहनी है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी और आपको ड्राइंग करने में उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं एंड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।